नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KCB जैट क्लासेस में। मैं पवन चौधरी। जैसा कि हम डेली 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं टॉपिक वाइज, तो आज का जो टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो चलिए इसके क्वेश्चन है, एक एक बोलता जाऊंगा, नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, जल में अत्यधिक उच्च क्वथनांक का कारण है। ऑप्शन है इसके, इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा, इसका उच्च परावर्तितांक, जल के अणुओं का अल्प आयन, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन। दूसरा क्वेश्चन है, किस संकल्पना से स्पष्ट होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से अधिक वाष्पशील है। ऑप्शन है, अनुनाद, अति संयुग्मन, हाइड्रोजन बंध, त्रिविम बाधा। तीसरा क्वेश्चन है, किसमें हाइड्रोजन बंध प्रबलतम है। ऑप्शन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इसके बीच में सल्फर के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इसमें बन रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, और डी ऑप्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंध बना सकता है। ऑप्शन है, CH4, NaCl, CHCl3, H2O। पांचवा क्वेश्चन है, H2O द्रव है जबकि H2S गैस, इसका कारण है। ऑप्शन है, सेल संयोजक बंध, आणविक आकर्षण, हाइड्रोजन बंधता, हाइड्रोजन बंध और आणविक आकर्षण। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कोई एक हाइड्रोजन बंध नहीं रखता है। ऑप्शन है, फिनॉल, द्रव अमोनिया, जल, द्रव HCl। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध है। ऑप्शन है, SiH4, LiH, HI, NH3। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन है, सीजियम फ्लोराइड, HCl, HF, LiF। नौवां क्वेश्चन है, HCl एक गैस है परंतु HF एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, इसका कारण है। ऑप्शन है, HF बंध प्रबल होता है। बी ऑप्शन है, HF बंध दुर्बल होता है। सी ऑप्शन है, हाइड्रोजन बंध के कारण अणु एकत्र होते हैं। और डी ऑप्शन है, HF दुर्बल अम्ल है। फिर दसवां क्वेश्चन देखो, अधिकतम संभव हाइड्रोजन बंधों की संख्या जिसमें एक H2O अणु भाग ले सकता है, 1, 2, 3, 4। ग्यारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। ऑप्शन है, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर, क्लोरोफॉर्म। बारहवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अंत अणुक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। ऑप्शन है, एथिल अल्कोहल, जल, सैलिसिल एल्डिहाइड। ऑप्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तेरहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक की द्रव अवस्था में किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। ऑप्शन है, H2O, HF, NH3, C6H6। चौथा क्वेश्चन है, HF, NH3, H2O और PH3 यौगिकों में से हाइड्रोजन बंध दर्शाने वाले यौगिक हैं। ऑप्शन है, केवल HF, NH3 और PH3। बी ऑप्शन, केवल HF और NH3। सी ऑप्शन, केवल NH3, H2S और PH3। डी ऑप्शन, सभी चार। पंद्रहवां क्वेश्चन है, बर्फ की तुलना में जल का घनत्व अधिक है क्योंकि। ऑप्शन है, हाइड्रोजन बंध अंत्यक्रिया में, द्विध्रुव द्विध्रुव अंत्यक्रिया। सी ऑप्शन है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंत्यक्रिया में। डी ऑप्शन है, प्रेरित द्विध्रुव द्विध्रुव अंत्यक्रिया में। फिर सोलहवां क्वेश्चन देखो, NH3 का क्वथनांक PH3 की तुलना में अधिक होता है क्योंकि। ऑप्शन ए, NH3 का अधिक अणुभार होता है। बी ऑप्शन, NH3 में छाता प्रतिलोमन होता है। सी ऑप्शन, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। डी ऑप्शन, NH3 में आयनिक बंध जबकि PH3 में सहसंयोजक बंध होता है। सत्रहवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वाष्पशील अवस्था में हाइड्रोजन बंध मजबूत होता है। ऑप्शन है, HF HF, बी ऑप्शन HF HCl, CHCl HCl और डी ऑप्शन HF HI। अठारहवां क्वेश्चन है,
एक यौगिक का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन है अंतःअणु हाइड्रोजन बंधुता के कारण, बी ऑप्शन अंतराणु हाइड्रोजन बंधुता के कारण, सी ऑप्शन सहसंयोजक बंध के कारण और डी ऑप्शन आयनिक सहसंयोजक बंध के कारण। 19वां क्वेश्चन है निम्न में से किसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। ऑप्शन है जल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल मेथिलामीन। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में जल में विलय यौगिक को चुनिए। ऑप्शन है CCl4 CH2 CHCl3 C2H5OH। तो आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड थे। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। KCB जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद।